ओके हाय एवरीवन, दिस इज रश्मि। आप लोग भैया रश्मि से मैं चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग डिस्कस करेंगे इस सेशन में लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस के बारे में। तो देखिए, आपको पता है कि हमने लास्ट सेशन में आपको मेमोरी मैनेजमेंट की जरूरत क्या पड़ती है इसलिए वो बताया था। अच्छा, जब बात मेमोरी की होगी, बिना एड्रेस मेमोरी तो कम्प्लीट हो ही नहीं सकता। तो एड्रेस का क्या है, एड्रेस कितने तरह का होता है? तो एड्रेस किसका होगा, मेमोरी का होगा निश्चित तौर पर। तो देखिए, एड्रेस दो तरह का होता है इसमें, लॉजिकल एड्रेस और एक फिजिकल एड्रेस। अब सवाल है कि लॉजिकल एड्रेस क्या होता है? तो कहता है लॉजिकल एड्रेस जो है वो आपका सीपीयू के द्वारा जनरेट किया जाता है। कितना, वो ऐसे एड्रेस को अपन लॉजिकल एड्रेस कहते हैं। उसके बाद क्या होती है कि जो भी लॉजिकल एड्रेस आपका सीपीयू जनरेट करता है, फाइनली वो आपको आपका फिजिकल एड्रेस में उसको कन्वर्ट होने ही होना होता है जब उसको यूज करने से पहले। तो जिस समय आपका प्रोग्राम, तब आप कहेंगे तो फिर लॉजिकल एड्रेस का मतलब क्या हो? तो लॉजिकल एड्रेस सिर्फ स्टोर करके रखने के लिए है। ठीक है, एक मैपिंग कर लिया गया है कि ये लॉजिकल एड्रेस सीपीयू ने दे दिया है। तो जब तक आपके कंप्यूटर में वो बस सिंपली स्टोर किया हुआ है, तब तक उसका लॉजिकल एड्रेस का मतलब है। लेकिन जैसे ही उसको आपको एग्जीक्यूट कराना है, कंप्यूटर को एग्जीक्यूट कराना है, तो एट दैट टाइम कंप्यूटर रिक्वायर फिजिकल एड्रेस। ठीक है, अब उस फिजिकल एड्रेस को जनरेट कौन करेगा, ये एक अलग बात हो गई। तो उसके लिए हमारे पास एक मैपिंग हार्डवेयर की जरूरत पड़ती है, जिसका नाम होता है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, जो इस लॉजिकल एड्रेस को किसमें कन्वर्ट मैप करेगा, फिजिकल एड्रेस में। तो चलिए हम लोग फटाफट समझ लेते हैं फिजिकल एड्रेस को भी। कहता है फिजिकल एड्रेस जो है वो किसके द्वारा जनरेट होगा, ये एक्चुअली रियल एड्रेस को कहा जाता है। देखिए, नाम से वो पता चल रहा है कि लॉजिकल है, उसका वास्तविक एग्जिस्टेंस नहीं है। जबकि फिजिकल एड्रेस का क्या होता है, वास्तविक एग्जिस्टेंस होता है, वो रियली एग्जिस्ट करता है। ठीक है, वो मेमोरी का वास्तविक एड्रेस होता है, इसलिए उसको रियल एड्रेस भी कहते हैं। तो कहता है जो भी लॉजिकल एड्रेस आपका होता है, वो सब का सब किसमें कन्वर्ट होना होता है, फिजिकल एड्रेस में, उसको यूज करने से पहले। तो उसको जो मैप करेगा, तो वो मैप करने का काम किसका होगा, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट का होगा। तो वो क्या करेगा, हर लॉजिकल एड्रेस के करस्पॉन्डिंग जो सीपीयू के द्वारा जो फिजिकल मेमोरी का जो एड्रेस है, मेन मेमोरी का, तो सीपीयू के द्वारा जनरेट किए हुए हर लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल मेमोरी से मैप करने का, एड्रेस से मैप करने का काम मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट का होगा। तो आपको हम इस सेशन में दो तरह का, दो एड्रेस बताया, लॉजिकल एड्रेस बताया, फिजिकल एड्रेस बताया, और मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट बताया। तो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट आप लोग क्या समझे, कि मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट वो यूनिट होता है जो एक हार्डवेयर डिवाइस है, जिसका काम होता है लॉजिकल एड्रेस से फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करना। अच्छा, आपको सवाल, मेरे एक सवाल का जवाब देके कमेंट करके बताना है आप लोग को कि कौन सा एड्रेस एग्जीक्यूशन के टाइम में यूज होता है, लॉजिकल एड्रेस या फिजिकल एड्रेस। तो ये आंसर आपको करना है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करती हूँ। मेरा सवाल फिर से ध्यान से सुन लीजिए, कौन सा एड्रेस आपका सीपीयू एग्जीक्यूशन के वक्त यूज करता है? चॉइस लॉजिकल, चॉइस नंबर टू फिजिकल एड्रेस। तो आपको आंसर करके बताना है कमेंट करके कि लॉजिकल या फिजिकल किस एड्रेस को एग्जीक्यूशन के टाइम में आपका कंप्यूटर यूज करता है। तो इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करती हूँ। अगर वीडियो से थोड़ा सा भी कुछ सीखे होंगे तो प्लीज प्लीज वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक करना नहीं भूलिएगा, कमेंट करना जरूर, कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा। तो बहुत जल्दी फिर नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम लोग बहुत जल्दी फिर मिलेंगे दूसरे